स्थान है जहाँ पर बताया जाता है भगवान बुद्ध की अस्थि की बंटवारा हुआ था। ये देखिए बहुत अच्छा बनाया गया, चारों तरफ से बाउंड्री है और संरक्षित किया गया है, और यहाँ पर एक गार्ड भी खड़े हैं सुरक्षा के दृष्टि से और साफ सफाई को देखते हुए। सब कुछ इन्हीं के हाथ में होगा मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ में गुजरात के धर्म उपासक हैं जो जिला गोधरा के रहने वाले हैं, इस वक्त हमारे साथ में हैं और हम ले चल रहे हैं उनको उस स्थान पर। चलिए सर आइए, आपको जो जानकारी है इस अस्थि के बारे में क्या है, आप इसको बहुत देखना। तो जानकारी हमें जो अच्छा समझा, अभी अभी जो हम बुद्धिस्ट स्टडी जो कर रहे थे और हमारे भाई साहब कर रहे हैं, उनमें जो हमारा जो स्टडी में जो अभ्यासक्रम आया है यानी कि पढ़ने का आया है, तो राजा अजात शत्रु जो राजा था पाटलिपुत्र यानी कि पालीभूत के राजा थे यानी कि अभी का पटना, तब अजात शत्रु के समय में ही भगवान परिनिर्वाण हुए थे और महाकाश्यप उसके पट शिष्य थे। महाकाश्यप जब भगवान का परिनिर्वाण हुआ तब जो अभी अभी हमने जो रामभार स्तूप का दर्शन किया वहाँ भगवान का संस्कार हुआ। बाद में अस्थियों को आठ भाग नहीं ये पूरा अस्थि लेके वो आपस में झगड़ा होने लगा। तो मल यहाँ के जो कुशीनगर के जो मल है, मल राजा थे, वो राजाओं ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ जो परिनिर्वाण हुआ भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ है तो एक अस्थि के हकदार हम हैं, अस्थि के हकदार हम हैं। तो बाद में जो ब्राह्मण थे वो सुभद्र नाम के शायद ब्राह्मण थे, उसने बताया कि भाई तथागत ने पूरी जिंदगी में आगे लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, तो आप उसके परिनिर्वाण के बाद आप लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई? आप ये समझो कि तुम्हारा जो आठ जनपद है, इतने आठ जनपद थे, तो वो शाक्य वंश के जन जो कपिलवस्तु भी जनपद था, ये मल का है लिच्छवियों का जो अपना जो वैशाली के लिच्छवियों का, वो सभी जनपदों के अंदर आठ हिस्सों कर दिया वो ब्राह्मण ने, कितने आठ हिस्से कर दिए और सभी को बांट दिया। हम ये जगह देखने के लिए आए, आज यहाँ बुद्ध वंदना भी हो रही है, हम खूब प्रभावित है। चलिए अच्छा, दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिनां वृंदेन पूजयामि तथागतं बुद्ध धम्म च संग सुगत तनुभवा धातुओ धातु गब्बे लंकाय जम्बुदीपे तिदस पुरागलोके चतूपे सबे बुद्धस्य बिम्बे सकल दश दिशे केशलोमादि धातु वंदे सबेपि बुद्धं दशबल तनुजं बोधि चेतव नमामि वंदामि चेतियं सब सब ठाने सुपतिटितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा।